मोहतरम बुजुर्गों, मैं आप लोगों को एक मुख्तसर और बहुत ही जामे दुआ बता रहा हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस दुआ का एहतमाम फरमाएं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में जो सबसे आखिरी हदीस को पेश किया है तो उसमें एक दुआ है जो बहुत ही जामे दुआ है और उस दुआ की अहमियत और उसका वज़न बहुत ही ज़्यादा यौम आखरत में इंसान देखेगा। वो दुआ इस तरह है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बस मैंने बहुत ही कम सेकंड के अंदर में इंसान अपनी ज़ुबान से इस दुआ को कह सकता है, न जाने इंसान पूरे दिन और ज़िंदगी के कितने लम्हात किन किन बातों में गुजार देता है, मगर इस दुआ को इंसान अपनी ज़ुबान से अदा कर लेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कितना बड़ा सवाब अता फरमाएंगे और क़यामत के दिन जो वज़न का तराजू होगा और मीज़ान होगा उस पर इस दुआ की बहुत ही अहमियत होगी। तो तमाम अपने भाइयों से दरख्वास्त है कि इस दुआ का एहतमाम फरमाए। मैं फिर दोबारा पढ़ देता हूँ, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक भी बहुत महबूब है और मीज़ान में इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है और कलमे के एतबार से दो कलमे हैं, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही और सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बस इमाम बुखारी ने अपने बुखारी शरीफ के अंदर में सबसे आखिरी रिवायत इसी को बयान फरमाया है जिसमें ये दुआ है। अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को इस दुआ का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।